दोस्तों, अगर आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर के यूजर हो, चाहे आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में किसी कंपनी के अकाउंट्स मेंटेन करते हो, चाहे आप किसी इंस्टीट्यूट से टेली प्राइम सॉफ्टवेयर को सीख रहे हो, तो आपने एक प्रॉब्लम जरूर फेस करी होगी या अभी आप कर रहे हो। वो है कि जब हम टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में परचेज वाउचर की या फिर सेल वाउचर की एंट्री करते हैं, तो एंट्री के दौरान हमारी सीजीएसटी टैक्स और एसजीएसटी टैक्स की जो कैलकुलेशन है वो ऑटोमेटिक नहीं होती है, या होती है तो वो प्रॉपर सही नहीं होती, यानी कि गलत होती है। तो दोस्तों, टैक्स की कैलकुलेशन ना होना कोई पर्टिकुलर कोई एक रीजन नहीं है, इसके पीछे बहुत सारे रीजन होते हैं। हम ये सोचते हैं भी हमने लेजर सही क्रिएट कर लिए तो हमारा टैक्स कैलकुलेशन ऑटोमेटिक होना चाहिए था। आपने चाहे लेजर सही क्रिएट कर लिए हो, लेकिन इसके अलावा अगर आपने कोई और कहीं गलती कर दी तो उसकी वजह से भी टैक्स की कैलकुलेशन है जो प्रॉपर नहीं हो पाती है। तो हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में भी, टैक्स की कैलकुलेशन ना होने की क्या वजह है। लेकिन अब जो टेली प्राइम सॉफ्टवेयर का जो नया अपडेट आ रहा है, नया रिलीज आ रहा है 3.0 का, तो उसमें जो टैक्स कैलकुलेशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम अभी आ रही थी वो इस रिलीज के अंदर आपको नहीं आएगी। क्योंकि नया आने का कारण क्या है, भी जो सबसे बड़ी गलती हम करते हैं टेली सॉफ्टवेयर में कंपनी क्रिएट करने के बाद, जो हमारे फीचर्स होते हैं वो फीचर्स जिसकी वजह से गलतियां हो जाती है, वो फीचर अब नया जो रिलीज है 3.0 का, उसमें उस फीचर को ही हटा दिया गया है। क्या है वो ऑप्शन जिसको हटा दिया गया है, ये सारी बातें आज की इस वीडियो में हम आपके साथ प्रैक्टिकल डिस्कस करेंगे। और अगर आपके सामने ये टैक्स की कैलकुलेशन नहीं हो रही है तो उसकी वजह भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। बस वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना है, कोई भी स्टेप इस वीडियो का स्किप मत करना, क्योंकि अगर आपने कोई भी स्टेप स्किप कर दिया तो हो सकता है ये प्रॉब्लम आपके सामने एज इट इज ही रह जाए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहन सुथार और स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इसी YouTube चैनल पे। तो वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन भी है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी आप जरूर हिट कर लें, क्योंकि आगे भी आपको इस चैनल पर टेली प्राइम सॉफ्टवेयर से रिलेटेड नई नई वीडियो लगातार मिलती रहेगी। और आज की वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में सारी बातें प्रैक्टिकल तरीके से समझने के लिए हमारे पास दोनों टाइप के वर्जन अवेलेबल है, यानी कि अभी जो प्रेजेंट टाइम में हमारा चल रहा है 2.1 वो भी हमारे पास है, और जो आने वाला है 3.0 का जो नया रिलीज वो भी हमारे पास में अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम चलते हैं हमारे पुराने रिलीज में, यानी कि जो अभी अपडेट चल रहा है 2.1 का। तो दोस्तों, सबसे पहले मैंने जो लेजर क्रिएट किए हैं वो आपको मैं दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैंने एक सप्लायर का यानी कि सेंड्री क्रेडिटर का लेजर मैंने क्रिएट किया है, जिसका ग्रुप मैंने रख दिया सेंड्री क्रेडिटर, ठीक है। उसके बाद में सीजीएसटी का टैक्स भी मैंने क्रिएट कर दिया, अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस में रखा, जीएसटी को सिलेक्ट किया, उसके बाद में सेंट्रल टैक्स को सिलेक्ट किया, ठीक है। उसके बाद में एसजीटी टैक्स, ये मेरा जीएसटी और स्टेट का टैक्स मैंने सिलेक्ट कर दिया। और उसके बाद में एक मैंने परचेज का लेजर क्रिएट किया है अंडर में परचेज काउंट के, लेकिन ये सारे लेजर मैंने क्रिएट कर लिए। लेकिन जब हम वाउचर में जाते हैं और परचेज वाउचर में कोई ट्रांजेक्शन एंट्री पास करते हैं एबीसी की, और एक स्टॉक आइटम मैंने क्रिएट कर लिए, आइटम के आपको मैं दिखा देता हूँ, आइटम के अंदर भी मैंने यहाँ पर टैक्स की कैलकुलेशन है जो लगा रखी है, 5% का ये स्टॉक आइटम मैंने क्रिएट किया है वीडियो को समझने के लिए, ओके। उसके बाद में क्वांटिटी मैंने डाली और अमाउंट मैंने 100 डाल दी, परचेज का लेजर मैंने सिलेक्ट कर लिया, और उसके बाद में सीजीएसटी टैक्स को सिलेक्ट किया और एसजीएसटी टैक्स को सिलेक्ट किया। लेकिन आप देख रहे हो कि यहाँ पर कोई भी टैक्स की कैलकुलेशन नहीं हुई है, ठीक है। और अब हम चलते हैं एक बार नए वर्जन पे 3.0, इसके अंदर भी सेम ही लेजर मैंने क्रिएट करी है, वो भी आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ अल्टर पे लेजर पे। तो आप देख सकते हो एबीसी का लेजर मैंने यहाँ पे क्रिएट किया अंडर में सैलरी क्रेडिटर के, उसके बाद में सीजीएसटी का टैक्स मैंने सिलेक्ट किया है जीएसटी के अंडर में और सीजीएसटी टैक्स टाइप को सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद में एसजीएसटी का टैक्स सेम वही प्रोसेस जीएसटी के अंदर और स्टेट का टैक्स, और इसके अंदर सेम एक मैंने परचेज का लेजर तैयार कर लिया है, परचेज का हमारा जीएसटी 5% और अंडर में ये परचेज अकाउंट मैंने रख दिया, ठीक है। अब हम वाउचर की ट्रांजेक्शन करते हैं, परचेज वाउचर की मैंने F9 यहाँ से सेलेक्ट किया, वाउचर का नंबर मैंने दे दिया, एबीसी ट्रेडर्स, आइटम का नाम दे दिया, और यहाँ पर भी सेम वही प्रोसेस मैंने स्टॉक आइटम के अंदर भी ये 5% का टैक्स यहाँ पर दे दिया है। आइटम एक 100 रुपीज, परचेज 5% की, और उसके बाद में सीजीएसटी टैक्स और एसजीटी टैक्स। तो आप देख सकते हो यहाँ पर इसने टैक्स की कैलकुलेशन कर ली,
जबकि दोनों कंपनी के अंदर हमने सेम लेजर क्रिएट करे हैं और सेम स्टॉक आइटम की क्रिएट करी है। तो अब हम बात करते हैं भी यहाँ पर पुराने वर्जन के अंदर टैक्स की कैलकुलेशन क्यों नहीं हुई। तो दोस्तों सबसे बड़ी जो गलती हम करते हैं ना टैली सॉफ्टवेयर के अंदर कंपनी क्रिएट करने के बाद, वो होता है हमारा जस्ट कंपनी क्रिएट करने के बाद के अंदर हम F11 में जाके और GST को हम इनेबल करते हैं। ठीक है, इनेबल करने के बाद में क्या होता है कि जो नए सीखने वाले स्टूडेंट्स होते हैं तो वो क्या करते हैं, यहाँ पर जो GST की एप्लीकेबल जो डेट है वो यहाँ पर हमने क्या कर दी 31 मार्च 2023। ठीक है, बाई मिस्टेक हमने यहाँ पर ये कर दी, जबकि हम ट्रांजेक्शन कौन सी डेट के अंदर कर रहे थे 1 अप्रैल 2022 के अंदर। अब आपका सॉफ्टवेयर क्या मानेगा भी आपकी GST 31 मार्च 2023 के बाद के अंदर कैलकुलेट होगी। मान लीजिए उसके बाद फिर हमने F11 सेलेक्ट किया और हमें गलती पता चल गई भी हमने 31 मार्च की डेट वहां पर दे दी, लेकिन हम यहां पर वापस फिर कर देंगे 1/4/2022। ठीक है, सिलेक्ट हमने कर दी और ईवी बिल भी हमने 1/4/2022 कर दिया, कंट्रोल ए कर दिया और वापस इसी की विंडो को भी एक्सेप्ट कर दिया। वापिस हम फिर प्रत्येक पे चलते हैं, 1 अप्रैल की एंट्री हम वापिस यहाँ पर कर रहे हैं। ABC सेलेक्ट किया, आइटम को मैंने सेलेक्ट किया, क्वांटिटी 1 डाली, 100 रुपीज, परचेज 5%। ठीक है, और CGST टैक्स और SGST टैक्स, यानी कि अब उसके बावजूद भी टैक्स की कैलकुलेशन यहाँ पर नहीं हुई। पहला रीजन तो हमने गलती क्या करी थी, जो एप्लीकेबल डेट थी वो हमें 1 अप्रैल करनी थी फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग। ठीक है, आप 1 अप्रैल 1 जुलाई 2017 भी कर सकते हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब वो हमने उस गलती को भी सुधार दिया, लेकिन उसके बावजूद भी टैक्स की कैलकुलेशन है जो नहीं हुई है। ठीक है, अब हम दूसरा एक रीजन हमें ये भी चेक करना है कि जब हमने पार्टी का जो लेजर क्रिएट किया था सप्लायर्स का यानी कि सेंड्री क्रेडिटर का, तो वो हमें ध्यान में रखना है भी वो हमारा स्टेट हमने उस पार्टी का क्या सिलेक्ट किया था। अब हमारी कंपनी राजस्थान की है और हमारा जो सप्लायर है वो भी राजस्थान का है, तो ये हमने बिल्कुल यहाँ पर एक्यूरेट स्टेट इसका सिलेक्ट कर दिया, तो ये हमारी मिस्टेक नहीं है। ठीक है, अब मेन मिस्टेक आपसे हुई कहाँ पे, कि जब हमने स्टॉक आइटम बनाई थी, ठीक है, अल्टर कर दिया, क्योंकि आपने कंपनी क्रिएट करने के जस्ट बाद GST को एप्लीकेबल कर दिया था और वहाँ पर GST की डिटेल आपने फिलअप कर दी थी, लेकिन उसके बाद आपने स्टॉक आइटम क्रिएट कर दी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जाना है मोर डिटेल्स के अंदर, इसके अंदर हम एक्यूरेट में आएंगे, GST डिटेल में आएंगे और यहाँ पर हम जाएंगे डिटेल्स के अंदर, आपको यहाँ एक ऑप्शन दिखाई देगा डिटेल्स का, LW भी हम प्रेस कर सकते हैं। तो अब इसके करने के बाद क्या रहेगा, इसको डिटेल करेंगे तो यहाँ आप देखोगे भी इसकी कैलकुलेशन कहाँ से हो रही है, 31 मार्च 2023 से, क्योंकि इसने कौन सी डेट पिक करी है, जब हमने GST की डिटेल के अंदर 31 मार्च 2023 दे दिया था उसी के अकॉर्डिंग इसने यहाँ पर एप्लीकेबल फॉर्म सेलेक्ट कर लिया, तो इसको में हम करेंगे 1/4/2022 को सेलेक्ट और कंट्रोल ए के साथ एक्सेप्ट करेंगे और कंट्रोल ए के साथ इसको भी एक्सेप्ट कर देंगे। अब हम वापस चलते हैं कैलकुलेशन पर, ठीक है, और अब उसके बाद वापस परचेज सेलेक्ट करेंगे, आइटम ए 100 रुपीज परचेज हमारी। अब यहाँ पर देखो आपकी टैक्स क्लासिफिकेशन की डिटेल यहाँ पर ऑटोमेटिक आ चुकी है। ठीक है, उसके बाद के अंदर हम यहाँ पर टैक्स करेंगे CGST टैक्स और SGST टैक्स। अब आप देखोगे यहाँ पर इसने टैक्स की कैलकुलेशन है जो कैलकुलेट कर ली। ठीक है, तो अब सबसे बड़ी गलती और पहली गलती हमने क्या करी थी, कंपनी क्रिएट करी, F11 हमने प्रेस किया और उसके बाद में हमने क्या किया, GST डिटेल के बाद एप्लीकेबल फॉर्म था यहाँ पर हमने कोई अदर डेट बाई मिस्टेक हमारे से होगी, उसकी वजह से टैक्स की कैलकुलेशन हमारे से हो नहीं रही थी। ठीक है, अब बात करेंगे नए वर्जन में, तो नए वर्जन के अंदर क्या रहेगा, जैसे हम टेली के अंदर कंपनी क्रिएट कर लेंगे, F11 पे जाएंगे GST की सेटिंग के लिए, यहाँ जाएंगे और इसको यस करेंगे, तो अब हम जैसे इसको यस करेंगे ना, तो अब हमारे से यहाँ पर जो ऑप्शन पूछ रहा था अभी तक, जो हमारा 2.1 का जो रिलीज चल रहा है भी GST एप्लीकेबल फ्रॉम, ये वाली जो ऑप्शन था, अब ये आपको नए वाले वर्जन के अंदर देखने को नहीं मिलेगा 3.0 के अंदर, क्योंकि अब सबसे बड़ी गलती हमारी यहीं से हो रही थी, शुरुआत हमने यहीं से करी थी, तो अब जो शुरुआत के अंदर आपसे जो गलती होनी है वो गलती आपसे होगी नहीं, अब होगी नहीं, तो आपकी जो टैक्स की कैलकुलेशन है वो ऑटोमेटिक ही आपकी एक्यूरेट रहेगी। बस आपको ये जरूरी नहीं है भी केवल आपका टैक्स की कैलकुलेशन की वजह से डिफरेंस आ रहा हो, अब
एक समस्या तो आपको यहाँ से मिल जाएगी कि आपको जीएसटी एप्लीकेबल की डेट यहाँ पर कोई नहीं देनी, तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है भी आपके टैक्स बाकी जो जो लेजर है उसके अंदर आप गलती कर दोगे, उसके अंदर आपको गलती नहीं करनी। उस वक्त हमें क्या करना है, सबसे पहले हम लेजर पे क्रिएट चलते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एबीसी ट्रेडर्स का लेजर बनाया, ये हमारे पार्टी का लेजर है, तो इसके अंदर सबसे पहले आपको स्टेट तो बिल्कुल सही करना है, ठीक है ना, कंट्री भी बिल्कुल सही देना है, रजिस्ट्रेशन टाइप, एक बार आप जीएसटी नंबर ना लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रखना आपको यहाँ पर रेगुलर पड़ेगा। अगर आपने यहाँ पर अनरजिस्टर्ड कर दिया तो ये टैक्स की कैलकुलेशन है जो नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे सीजीएसटी टैक्स की, तो सीजीएसटी टैक्स के दौरान आपको यहाँ पर टैक्स की टाइप की जो डिटेल है वो आपको प्रॉपर फिलअप करनी ही पड़ेगी, यानी कि केवल आपको बाकी का जो काम है वो सारा काम आपको करना पड़ेगा। और उसके बाद में स्टॉक आइटम जब हम क्रिएट करेंगे और इस आइटम को क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर भी हमारे को जीएसटी का जो रिलेटेड जो डिटेल्स है वो यहाँ पर हमें फिलअप करनी पड़ेगी, टैक्स रेट यहाँ पर भी हमें यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो बतानी पड़ेगी। लेकिन अब इसके अंदर अगर आपने ये बता दिया, ठीक है, एप्लीकेबल, क्योंकि अब इसके अंदर एप्लीकेबल का कोई ऑप्शन नहीं है, और यहाँ पर हमारे पास एक जो ऑप्शन आ रहा था डिटेल्स का, हम एल्टर पे गए, स्टॉक आइटम पर गए, आइटम पर सिलेक्ट किया, इसको यस किया, तो यहाँ पर हमारे से डिटेल के लिए पूछ रहा था भी एप्लीकेबल वगैरह आपकी कब से हो रही है। लेकिन नए रिलीज के अंदर आपके सामने ये इस तरीके का कोई ऑप्शन है जो नहीं आएगा भी आपकी जीएसटी की डिटेल कब से एप्लीकेबल हो रही है। ये आप जैसे ही फाइनेंशियल ईयर को सिलेक्ट करोगे कंपनी क्रिएट करते वक्त, उसी साल से ये ऑटोमेटिक समझ जाएगा कि आपने 1/4/2022 किया तो 1/4/2022 ही जीएसटी एप्लीकेबल है। आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 1/1/2023 करोगे तो ये ऑटोमेटिक समझ जाएगा भी आपकी जीएसटी 1/2023 से स्टार्ट हो चुकी है। तो आपसे ये एप्लीकेबल डेट की नहीं पूछेगा भी आप जीएसटी को कब से एप्लीकेबल है जो करना चाहते हो। तो दोस्तों ये आने वाला फीचर्स है, इसके अंदर जो शुरुआत में जो गलती है उस गलती से हम बच सकते हैं। अगर वो गलती से बच गए तो हमारी जीएसटी की टैक्स कैलकुलेशन है वो ऑटोमेटिक होनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि गलती सबसे बड़ी और सबसे शुरुआत हमारी जीएसटी एप्लीकेबल डिटेल वहीं से ही होती थी। तो दोस्तों उम्मीद है ये जो नया आने वाला रिलीज आपको जरूर पसंद आएगा। दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो भी जरूर कर लेना।